हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड एनएडीपीएच कंटेन अ विटामिन, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जब आप कोफैक्टर पढ़ते हैं ना, कोफैक्टर क्या होते हैं? आप जब एंजाइम देखेंगे ना, तो एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको कोफैक्टर कह देते हैं, नॉन प्रोटीन। ठीक है, और जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम में उसे एपोएंजाइम कह देते हैं। अब कोफैक्टर भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखते हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे आ जाते हैं कोएंजाइम्स। ठीक है, कोएंजाइम्स आ गए, और थर्ड जो आ जाते हैं आपके, वो आ जाते हैं मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप ना टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। और कोएंजाइम्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट उनका जो एसोसिएशन होता है वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट ओनली फॉर मतलब थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के लोग, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग दी कॉज ऑफ कैटालिसिस। ओके, और यहीं पर आप देखते हैं कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ कोएंजाइम्स सर्व एज अ कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। जो इसेंशियल केमिकल कॉम्पोनेंट्स हैं मैनी कोएंजाइम के लिए, वो क्या है? विटामिंस हैं। जैसे कि कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडीपी, ये कंटेन करते हैं विटामिन नियासिन। ठीक है, इनके पास क्या मिलता है? नियासिन मिलता है। तो ये क्या हो जाता है? कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड एनएडीपी कंटेन अ विटामिन, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट टू में दिया है कैटालिटिक एक्टिविटी रिमेन्स द सेम इवन इफ द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। कैटालिटिक एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो सेम रहेगी अगर कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए, तो ये हो जाता है इनकरेक्ट, सेम नहीं रहेगी। ठीक है, कोफैक्टर क्या कर रहे हैं? कोफैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। ओके, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ये कोफैक्टर, तो अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट वन करेक्ट है, बट टू इनकरेक्ट है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अदर ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 159 पर गिवन है। थैंक यू।